बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। अच्छा बेटा, जैसे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था एंजाइम्स की में कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर मोड ऑफ एक्शन। एंजाइम्स हैं बेटा अपने काम करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि अमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को डीकम्पोज करवाने के लिए यूज़ होता है, वो कभी भी लिपिड्स को या प्रोटीन को डीकम्पोज नहीं करवाएगा, उनके डाइजेशन नहीं करवाएगा। इसी तरह से लाइपेज एंजाइम जो है वो लिपिड्स की डाइजेशन करवाता है, वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करवाएगा। ठीक है, तो देयर आर ओवर 2000 नॉन एंजाइम्स, ईच ऑफ विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं बेटा, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। द एंजाइम प्रोटीज विच ब्रेक पेप्टाइड बॉन्ड इन द प्रोटीन्स विल नॉट वर्क ऑन स्टार्च, और स्टार्च पे कौन वर्क करता है जी, अमाइलेज एंजाइम। सिमिलरली लाइपेज एंजाइम एक्ट्स ओनली ऑन द लिपिड्स एंड डाइजेस्ट्स देम इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। स्पेसिफिसिटी ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स इज डिटरमाइंड बाय द शेप ऑफ देयर एक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स पोसेस द स्पेसिफिक जियोमेट्रिक शेप्स दैट फिट विद द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हर एक सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होती है और वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही जाके रिएक्ट कर सकता है। तो ये छोटा सा ना लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, बोर्ड में ये आ चुका है कि राइट अ नोट ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स।